हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस फाइनली 2 दिन लगातार मेहनत करने के बाद यहाँ पे हमारा 15,600 स्कोर प्लस हो चुका है और सीएस रैंक पुशिंग करते टाइम में सोलो इंस पे 100 से भी नीचे गिर चुका था, लेकिन फिलहाल अभी के टाइम पे मैं 90 नंबर पे आ चुका हूँ सोलो इंस पे। और एक चीज गाइस, आज हम लोग ग्रैंड मास्टर कुछ भी करके लगा के ही रहेंगे, क्योंकि गाइस और कुछ ही दिन बचे हैं बीआर का न्यू सीजन आने को और इस सीजन हमको कुछ भी करके बैनर अवतार भी लेना है। तो मैं अपना पूरा सीक्रेट स्ट्रेटेजी लगा के गेम प्ले करने वाला हूँ और हर एक मैच हमको प्लस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये था मेरा पहला मैच और ये मैच बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, बुया करना था कुछ भी करके, क्योंकि मैं देखो 3 ज़ॉम्बी को ऑलरेडी मैं मार के रखा था। अगर ये मैच बुया हो गया तो 20 का एक्स्ट्रा प्लस मिलने वाला था मेरे को, इसलिए हार्ड लोबी भी आया था तो मैं होल्ड कर रहा था थोड़ा बहुत। और यहाँ पे एक बंदा को डाउन तो मैं किया था, लेकिन भाई वो बंदा रिवाइव हो जाता है तो मैं यहाँ पे टेलीपोर्टर यूज करके आगे के साइड जाता हूँ, ताकि भाई जोन इधर के साइड था और अगर बुया हो गया तो 20 का एक्स्ट्रा प्लस मिलने वाला था, इसलिए ज़्यादा ही मैं होल्ड करके आया था लास्ट जोन तक। और मैं नहीं चाह रहा था कि लास्ट जोन में मेरा बुया मिसिंग हो जाए। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कितना छोटा जोन हो चुका है और 4-4, 6-6 बंदे अलाई पे अभी भी, तो देखो क्या ही खतरनाक डैमेज दे रहे आगे के बंदे। और खुले में भाई जोन बना है, किसी घर वगैरह कुछ भी नहीं है, जिधर भी जाओगे बंदे मार देंगे। मेरे पास तो ग्लोल अच्छा खासा यहाँ पे था, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला था मेरे को नहीं पता था, इसलिए मेरे पास तो परमानेंट कवर एक था शील्ड यहाँ पे पीछे के साइड, तो मैं यहीं पे ही रहता हूँ। अब मेरे पास M10 था, ये बंदा रश करता है, इसको 2-4 गोली मारा एंड भाई फिर भी ये बंदा ख़त्म नहीं हुआ। अब क्या ही कर सकते हैं, बंदा तो मरा नहीं, तो फिर से मैं इधर के साइड आया एंड नीचे एक बंदा होता है, इसको हेडशॉट मारने की कोशिश किया लेकिन भाई बंदा मरा ही नहीं। तो एक ग्लोल लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे एंड भाई ये बंदा जो ग्रेनेड करने लगता है ना मेरे ऊपर, क्या ही बोलूँ, और ग्लोल भी तोड़ने लगते हैं। अब वो तो अच्छा है मेरे पास 9 ग्लोल अभी भी हैं और ख़त्म नहीं हुआ है, और ये मोस्टर ट्रक वाला भी ऊपर से आ गया था। अब भाई बुया तो यहाँ पे इम्पॉसिबल सा हो चुका था, क्योंकि मेन बात ना मोस्टर ट्रक वाला आ गया है और खुले मैदान में जोन बना है, कोई घर भी नहीं है। अगर भाई मेरे को मार दिया, एक बार ठोक दिया तो गाड़ी से उतर के मार सकता है, और देखो कैसे ठोक रहा है। तो मैं कवर के अंदर यहाँ पे छुप गया था और यहाँ पे देखो एक ही बंदा बचा था मोस्टर ट्रक वाला, और वो बंदा को तो इसने ही ठोक के मार दिया जोन में शायद, तो इसको मैं फंसा रहा था यहाँ पे और इसका मोस्टर ट्रक तोड़ने का कोशिश कर रहा था। और एक बार मैं ही नहीं तोड़ूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके तोड़ूंगा सोचा, एक बार मैं तोड़ूंगा तो मेरे को भी ठोक सकता था ये बंदा, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके ठोका। लास्ट में जाके इसका मोस्टर ट्रक टूटा तो भाई ये बंदा उतरा नीचे। अब इसको जो पेलने वाला था ना, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था भाई। देखो 1v1 यहाँ पे बचे हैं हम दोनों, भाई तू उतर के फाइट करना यार, क्या मतलब गाड़ी के ऊपर ऐसे करेगा, तो मतलब गुस्सा आएगा कि नहीं बताओ आप लोग खुद ही बताओ। तो यहाँ पे मैं मार दिया और फाइनली यहाँ पे हमारा ज़ॉम्बी मोड ऑन होने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ नहीं, लेकिन हमको प्लस अच्छा खासा मिल गया। और अभी के टाइम पे ज़ॉम्बी जो लास्ट वाला होता है ना, उसको जो मारते हैं बुया के बाद, वो मेरे में कैसे जो शो नहीं कर रहा है। गैस आप लोगों के में ये चीज़ शो कर रहा है या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर से बताना, मेरे को जानना है कि मेरे में ही बस ये शो नहीं कर रहा है, वो मेरे को जानना है। और यहाँ पे देखो ये दूसरा मैच के अंदर मैंने 2 बंदा फिनिश कर दिया था यहाँ पे, और एक बंदा वो डाउन था यहाँ पे, और ग्लोल के पीछे एक बंदा होता है, इसको भी डाउन कर दिया। और एक एक बार तो मेरे को समझ नहीं आता कि भाई मैं ये स्क्वाड खेल रहा हूँ या फिर सोलो खेल रहा हूँ, हर बंदा डाउन हो रहा है, जिसको भी मारो वो बंदा डाउन हो रहा है, जिसको भी मारो। तो ये चीज़ मेरे को बुरी लगती है भाई, मतलब यार सोलो देखो ये भी डाउन हो गया, मतलब भाई हम लोग सोलो खेल रहे हैं, एक बंदा को एक मारेगा बोल के यहाँ पे बंदे लोग डाउन हो रहे हैं, क्या बताऊँ, इतना मुश्किल हो गया सोलो में पुशिंग करना भाई भाई भाई। मतलब यहाँ पे गेम प्ले अच्छा रहेगा तब भी आपका बुया नहीं हो पाएगा, लेकिन अपना फाइनली यहाँ पे बुया हो गया और 2 गेम हम लोग लगातार यहाँ पे बुया कर लिए हैं। एंड ये गाइस कालाहारी में कितना दिनों के बाद आया था पता नहीं, अभी के टाइम पे अपडेट के बाद एक एक 2-4 दिन में दे दे रहा है, पहले तो एक भी नहीं देता था। तो यहाँ पे कालाहारी जब भी आता ना, मैं खुश होकर इसको तो बुया करूँगा ही सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे बचे होते हैं, मैं बंदे लोग को ढूंढ ही रहा था, बहुत जल्दी बंदे मर गए थे यहाँ पे। तो एक बंदा को जैसे मार रहा था ना, दूसरा बंदा मेरे को पीछे से मारा था ना, इसलिए मैं वहाँ पे ग्लोल लगा के पीछे के साइड आ गया मेडिकेट करके। अब ये बंदा को मैंने पूरा हेडशॉट मार दिया स्कोप लगा के, अभी एक ही बंदा बस बच रहा था और ये मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा था, तो इसको तो मैं मारूंगा कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था। तो सीधा मैं स्कोप पर रश करता हूँ और इसका ग्लोल तोड़ने लगता हूँ।
अब इसका ग्लो लेग दो जैसे ही टूटता भाई ये अंधा फायर करने लगता है मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा कवर छोड़ के इसको हेडशॉट मार दिया और ये मैच भी हमारा बुइया हो गया। अब नेक्स्ट मैच के अंदर गए, यहाँ पे मेरा 5 किल हो चुका था और यहाँ पे 5 बंदे अभी भी अलाइव थे और समझ नहीं आ रहा भाई मैं जोन में कैसे जाऊँ। मतलब चारों तरफ बंदे थे एंड भाई मेरे को सब मिल के मार रहे थे और जोन में जाने ही नहीं दे रहे थे। मेरे पास बस 4 ही ग्लोल बचे थे यहाँ पे और सब ग्लोल ख़त्म हो चुके थे। मैं सोचा भाई चलो मरूंगा तो मरूंगा, ग्लोल लगा ही लेता हूँ शायद बच जाऊँ। और सेम यही होता है, मैं जोन में तो यहाँ पे पहुँच जाता हूँ लेकिन मेरे पास ग्लोल ख़त्म हो चुका था और तो किस्मत साथ दिया यहाँ पे एक ग्लोल मिल गया। तो यहाँ पे जो बंदा मेरे को मारा था उसको पिस्कोल लगा के सबसे पहले मैंने पहला, क्योंकि देखो जो बंदा मेरे को जोन से आने नहीं दे रहा था उसको तो बदला लेना मांगता है भाई, इसलिए उसको मारा। एंड यहाँ पे मेरे को एक बंदा का फायर का साउंड आया था तो उसको ढूंढते आया। यहाँ पे बंदा बैठा था भाई, ये शायद ईयरफोन लगाया होता ना तो मेरा फुटस्टेप इसको आता, इसको पता चल जाता, लेकिन भाई ये फुटस्टेप पता नहीं चल पाया इसको क्योंकि बेचारा ईयरफोन नहीं लगाया होगा। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ अगर आप एक रैंक पुशर हो तो ईयरफोन लगा के खेलो, क्योंकि देखो कस्टम वगैरह में बंदा सामने होता है मूवमेंट दिखा के जाओगे, लेकिन रैंक मैच में पूरा आगे पीछे हर तरफ से फुटस्टेप आएगा, बंदा किधर है किधर जा रहा है, तो यही होता है भाई। और रैंक मैच में एक ही मौका मिलता है, मर गए तो पूरा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बंदा को मैंने हेडशॉट मारा 3-4 गोली पेलने के बाद, और यहाँ पे भाग रहा था बंदा, इसको मारने के बाद फाइनली ये मैच भी हमारा बुइया हो जाता है भाई। अभी हम लोग धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर के करीब पहुँचते जा ही रहे थे तभी भाई मैं बार बार जोन में फंस कैसे रहा था पता ही नहीं चल रहा था। अब जैसे कि देख लो यहाँ पे मैं जोन में फंस गया था एक बंदा के साथ, लेकिन मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं जैसे ही निकला ना वो बंदा को मार दिया। अब इतने में ही और एक बंदा मेरे को गाड़ी से ठोक देता है और ये बंदा जो गाड़ी में ठोका ना मेरे को वो बंदा मर जाता यहाँ पे, शायद मेरे को जो ठरपटी कर रहा था वही मार दिया। कुछ भी करके मैं जोन से तो निकल गया तभी मोस्टर ट्रक वाला आ गया। अब आपको पता ही ये मोस्टर ट्रक वाला ग्लोल के आर पार ठोक देता है, तो मैं इधर आया ना तो उसका शायद मोस्टर ट्रक वहाँ पे रुक गया था, तो मैं सोचा भाई चलो यहाँ पे इनहेलर ही कर लेता हूँ, अगर मेडिकेट मारूंगा तो वो भाई मेरे को मौका ही नहीं मिलेगा। अब इनहेलर करते करते आ ही रहा था फिर से मेरे को यहाँ पे गाड़ी वाला ठोक देता है और उतर के मेरे को फायर कर रहा था, मैंने इसको इजीली हेडशॉट मार दिया क्योंकि भाई देखो जो ठरपाटी करता है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर मेरे को, इसलिए जो हेडशॉट मारा ना उसको इमोट दिखाने वाला था, लेकिन ना यहाँ पे लास्ट जोन हो चुका था, बंदे लोग बहुत फुटस्टेप आ रहा था चारों तरफ थे, इसीलिए भाई उसको मैं इमोट नहीं दिखाया, नहीं तो इमोट दिखा दिया होता। बाय द वे गाइस आप लोग अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी 30K करना है हमको, 30,000 गाइस ठीक है। अब इतना तो आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हो अपने तरुण भैया को, ठीक है तरुण भैया कुछ भी बोलो। अब यहाँ पे देखो जो लैंडमाइन मैंने बिछाया ना भाई वो लैंडमाइन पे बंदा मर गया। हाँ गाइस आपको एक बात बताना था मेरे को, आप लोग अगर लैंडमाइन बिछाते हो तो एक यहाँ ऐसा मत बिछाया करो भाई, एक जगह पे 4-5 बिछा दो, मरेगा तो मरेगा या फिर नहीं तो नहीं, ये एक एक बिछाओगे भाई थोड़ा डैमेज होके चल जाएगा। एक जगह पे मिसा दो या फिर ज़्यादा मिलेगा या फिर किल मिल जाएगा या फिर डैमेज ही नहीं मिलेगा आपको, तो ये चीज़ मैं करता हूँ, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो करो। और अगर आपको डैमेज देना हो लास्ट जोन जैसे आ गया तो वहाँ पे एक एक करके मतलब जाल बिछाने टाइप का बिछा सकते हो ताकि वो बंदा डैमेज हो और आप लोग गन से मार सकते हो, लेकिन आप लोग कहीं पे लगा के जाने वाले हो तो वहाँ पे पूरा 5-6 मतलब जितना है आपको उतना ही लगा लेना, 3-4 से ज़्यादा ही लगाना है। अब यहाँ पे देखो एक ही बंदा बच रहा था, इसको क्या ही क्लोज रेंज में हेडशॉट मारा था मैं। अब और एक बंदा जो बच रहा था ना उसको मैं इजीली मारूंगा लग रहा था मेरे को, और मैं यहाँ पे आके इजीली रेड नंबर मार ही देता हूँ मैं इसको। और जो मैच में ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो मैच में ना मैं पूरा इजीली रश करके खेलता हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो मैच में भाई मैं मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, जैसे कि देख लो जो मैच में मैं ग्रैंड मास्टर जाने वाला हूँ या फिर एक रैंक से एक रैंक में जाने वाला हूँ, तो उसमें ना एक नर्वस हो जाता हूँ मैं, और नर्वस जब भी होता ना मैं ध्यान देता हूँ कि मेरा हाथ अच्छे से काम नहीं करता और मैं अच्छा से गेम नहीं खेल पाता हूँ, तो ये चीज़ ना काफ़ी सारे बंदों के साथ होता होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा अभी के टाइम पर सुधार चुका हूँ कि मतलब गेम को गेम की तरह रहता हूँ, माइनस होगा तो भी चलेगा सोचता हूँ और सीधा अच्छा से खेलता हूँ, यही चीज़ मेरे को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है मेरा गेम प्ले को। और यहाँ पे देखो ये बंदा को जैसे मैं Mach 7 में इजीली नहीं मार पाऊंगा लग रहा था, बहुत कम डैमेज दे रहा था, फिर भी मैंने बिना ग्लोल लगा के इसको मारा, क्योंकि देखो इतना क्लोज में ग्लोल लगाऊंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरा बंदा ठरपटी कर देगा आके, इसलिए मैं सोचा वो मरेगा या फिर मैं, और फायर करते ही रहा और वो बेकार में ग्लोल लगाया वहाँ पे भाई,
और उसका टाइम वेस्ट हो गया ग्लोल लगाने में। जब तक मेरा ना 50 SP कम नहीं होता मैं ग्लोल लगाता ही नहीं भाई, क्योंकि देखो ग्लोल लगाते रहोगे तो वो बंदा मार देगा, वो तो फायर करता रहेगा ना। तो यही कुछ होता है भाई, एक एक सेकंड मैटर करता है सोलो के अंदर। अब यहाँ पे देखो एक ही बंदा बचा था, इसको बहुत ज़्यादा कम डैमेज आ रहा था, तो मेरे को पता चल गया बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं इसके ऊपर ना ग्रेनेड ही करने लगा, और भाई इसको मैं ग्रेनेड से ही मार दूंगा सोच रहा था। लेकिन भाई यहाँ पे बस और एक ही ग्रेनेड मेरे पास बचा था लास्ट वाला, और ये फेंकने के बाद मेरे पास ग्रेनेड खत्म हो गया। तो मैं सोचा भाई ये कवर से जैसे निकलेगा इसको मारूंगा, लेकिन बंदा निकल ही नहीं रहा था, तो वो डैमेज था तो मैं सीधा अंधारस कर दिया। एक यहाँ पे मैं लैंडमाइन बिछा दिया ताकि बंदा उधर जाए तो मर जाए, और यहाँ पे इसको देखो मारा मैं तुरंत ग्लोल लगाया, क्योंकि देखो जहाँ पे ग्लोल का जरूरत है वहाँ पे लगाओ और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे मत लगाया करो, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे मैं हेडशॉट मार के तुरंत ग्लोल लगाया, क्योंकि ये सोनिया बन गया था मेरे को मार सकता था। अब फाइनली ये मैच हमारा बुया हो गया और इसके अंदर भी हमको थोड़ा बहुत प्लस मिल गया। अब ये मैच पे मेरे को 20 का एक्स्ट्रा प्लस मिलने वाला था, क्योंकि 3 ज़ॉम्बी को मैं ऑलरेडी मार चुका था। अब यहाँ पे आगे एक बंदा होता है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। अगर मेरा 280 HP नहीं होता तो मैं मर ही गया था, मतलब कि देखोगे तो मेरा करेक्टर ही मेरे को बचा लिया। अब यहाँ पे देखो एक बंदा बचा था, वो लूट कर रहा था आगे के साइड, इसको मैं बहुत ज़्यादा डैमेज दिया तो भाई ये ग्लोल लगा लिया। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि देखो वो तो जोन में आएगा, खुले में जोन बनाए, तो क्यों ना इसका ग्लोल फोड़ा जाए, इसका ग्लोल सब खत्म कर देंगे तो ये बंदा भाई वहाँ खुले में होगा तो इजीली मार दूंगा। ऐसा सोच के मैं इसका ग्लोल फोड़ने लगता हूँ पूरा फटाफट, एंड ये बंदा जैसे जैसे मेरे क्लोज आने लगता ना, मैं सोचा भाई क्या बेचारा का कितना ग्लोल फोड़ूंगा, मैं भी चलो इसके ऊपर रस कर ही देता हूँ। और यहाँ पे आके ग्रेनेड में यहाँ पे कुक करता हूँ, तभी ये बंदा मेरे ऊपर रस कर देता है। मैंने फेंका स्किल ब्लोगर तुरंत और बुया हो गया। अब गाइस वो लास्ट वाला जो मॉन्स्टर आता है ना, वो पता नहीं अभी भी नहीं आया यार, मतलब मेरा एक भी मैच में नहीं आ रहा है। अब ये वाला मैच भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक बंदा होता है, इसको देखो मैं वन टैप मारने की कोशिश किया नहीं लगा, दो बार कोशिश किया नहीं लगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना इसके बाद क्या करना था, सच बोलूँ ना आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं क्या सोच रहा था ना, इसको जल्दी फिनिश करके ऊपर वाला बंदा को मारने के लिए जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे भाई दोनों मेरे को मारने लग जाते हैं। मेरा दिमाग थोड़ा यहाँ पे काम नहीं दिया था, अब क्या ही कर सकता हूँ, मेरा M10 रिकॉइल हो गया था और वो भी ख़त्म हो गया था, और मेरा बहुत कम HP था यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड बुया होने वाला है, आप लोग एंड तक देखना, अगर बुया कर लूँगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। भाई देखो कितना कम HP था मेरा, लेकिन मैं इनहेलर के मदद से इतना जल्दी मेरा स्पीड रिकवर कर लिया, वो बंदा बिना मेरे को टच किए हुए अगर एक गोली मारा तो मर गया होता। अब देखो HP रिकवर कर लिया, तो गाइस समझो यार मैं कैसे ग्लोल लगाया, कैसे इनहेलर, ओनली इनहेलर मार के HP फुल किया और वो बंदा से बच के भी। तो ये सब देखो ताकि आप लोग भी अपना सोलो मैच हर एक बुया कर सकते हो ऐसे ऐसे सिचुएशन में। तो गाइस अभी मैं ग्रैंड मास्टर के काफ़ी करीब आ चुका था, 16,500 स्कोर हो चुका था और 100 प्लस करने के बाद मेरा ग्रैंड मास्टर लगने वाला था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फाइनली इतना मेहनत के बाद मेरा ग्रैंड मास्टर लगने वाला था तो मैं मैच भी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो मेरा 4 किल हो चुके थे और 3 बंदे अलाइव थे जो कि ऊपर के साइड फाइट कर रहे थे। अब जो बंदा यहाँ पे फाइट कर रहा था मैं M10 पकड़ लेता हूँ और इसको भाई मार लेता हूँ 2-4 गोली और बंदा फिनिश हो जाता है। यहाँ पे बस एक ही बंदा बचा होता है और ये बंदा भाई ग्लोल लगा लगा के जोन पे तो आ जाता है, इसको ना मैं वन टैप मारने की कोशिश कर रहा था और ये बंदा भाई कवर से निकल ही नहीं रहा था। अब जैसे ही ये निकलेगा इसको मारूंगा सो रहा था, लेकिन नहीं निकला तो भाई लास्ट में मेरे को इसके ऊपर ग्रेनेड करना पड़ा। अब एक ग्रेनेड किया तो भाई इसके ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज आ गया तो मैं इसका ग्लोल तोड़ने लगा भाई, और ग्लोल टूट जाएगा तो अच्छा खासा मेरे को एडवांटेज मिलेगा सोचा, लेकिन वो बंदा भी डबल चला के मेरे ऊपर 2-2 फेंक दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था मेरे को क्योंकि भाई मैं उसको आंटेम मारने की कोशिश कर रहा था और ये बंदा कवर बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। उसको पता चल गया था कि मैं भाई बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर हूँ और वांटेप किंग हूँ, और इसीलिए वो लोग थोड़ा डर गए थे मेरे को देख के। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से ग्रेनेड किया एक और वो बंदा भागने लगा। अब भाई मेरा दिमाग सनक गया, तू कितना भागेगा अब तेरे को मैं ही मारूंगा सोचा, और इसको मतलब देखो मैं कैसे मतलब गोल मार करके मारा, ग्लोल के पीछे ऐसे भागने जैसे क्या, उसको लगा भाग रहा इधर से जैसे उछला उसे ही मारा मैं, और 2-2 बार उसको सेम जगह पे चकमा दिया। अब गाइस यहाँ पे मेरा रैंक स्कोर देखो, और एक मैच के बाद मेरा ग्रैंड मास्टर लगने वाला था तो मैं जल्दी से यहाँ पे मैच स्टार्ट कर देता हूँ, और ये मैच के बाद मेरा ग्रैंड मास्टर फाइनली लगने वाला है और ग्रैंड मास्टर का लोगो भी चेंज हो गया है,
तो मेरा आईडी पे पहली बार जो लोगो चेंज हुआ है ग्रैंड मास्टर का, ऐसा लोगो मिलेगा ये वीडियो पे एंड भाई ये मैच पे। तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए पूरे लाइफ का, क्योंकि भाई बचपन से लेके जब से गेम खेल रहा हूँ मैं, पहली बार शायद ग्रैंड मास्टर का ऐसे लोगो पूरा ही चेंज हो गया है। थोड़ा थोड़ा चेंज होता था भाई, पहले पीला पीला होता था, बट अभी पूरा चेंज हो गया ग्रैंड मास्टर का लोगो। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही खतरनाक हुआ है इस बार तो, और काफ़ी लोग को ग्रैंड मास्टर का लोगो अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन गाइस आप लोग टेंशन मत लो, थोड़ा दिन के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। चेंजेस होने के बाद थोड़ा ऐसा लगता है, बाकी बाद में आदत सी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो दो बंदे बचे थे, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई दूसरा बंदा ग्रेनेड से इसको मार देता है। अब मेरे को किल नहीं चाहिए था, मेरे को बस बुइया चाहिए था, क्योंकि बुइया का 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं हम लोग को सोलो के अंदर, और स्क्वाड में भी शायद यही सेम प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि भाई एक ही बंदा बस बचा है, मेरे को लग रहा था 2-4 बंदे बचे हैं यहाँ पे, और ये बंदा को मैं मारूंगा या फिर मरूंगा ऐसे सोच के फाइट कर रहा था मैं, और मैं जोन पे भी नहीं जा रहा था, मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहा था। और जब मेरे को भाई ये बंदा को काफ़ी डैमेज देने के बाद यहाँ पे मैं ग्लोल लगाया, तब मेरे को पता चला कि भाई एक ही बंदा बचा है, और इसको जैसे ही मारा ना भाई बुइया हो गया अचानक से। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ, उसके बाद मेरा अच्छा खासा प्लस हो गया, और फाइनली गाइस यहाँ पे देखो मेरा ग्रैंड मास्टर लग जाता है, और भाई पहली बार ऐसा मेरा ग्रैंड मास्टर लगाया। और चलो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, क्योंकि पहली बार लगाया। और गाइस आपको मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हो, फाइनली ग्रैंड मास्टर हम लोग पहुँच चुके हैं, और ग्रैंड मास्टर को नीचे गिरने नहीं देंगे, इसी के साथ चलते रहेंगे। और सोलो विंस के अंदर भी गाइस यहाँ पे मैं 68 नंबर पे आ चुका हूँ, आई होप नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा ऊपर जा पाऊँ मैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।